हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वर्टेस क्लासेस पर। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके थे, स्क्वायर रूट में जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, और परफेक्ट स्क्वायर जो होता है उसको हम लोगों ने भी कंप्लीट कर लिया है। जिसने भी वो लेक्चर नहीं कंप्लीट किया है वो जाके प्ले लिस्ट में देख सकता है। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने स्क्वायर रूट को कंप्लीट किया है, अच्छे से एक एक क्वेश्चन लगाया है, उसी तरीके से हम लोग क्यूब रूट को भी कंप्लीट करेंगे, यानी कि घनमूल। तो घनमूल स्टार्ट करने से पहले कुछ आपको क्यूब यानी कि घन पता होने चाहिए। जैसे जैसे हम लोगों ने स्क्वायर याद किया था, सिमिलर हम क्या करेंगे, कुछ घन याद करेंगे यानी कुछ क्यूब याद करेंगे। तो जैसे एक का क्यूब क्या होता है, एक, दो का क्यूब 8, तीन का क्यूब 27, चार का क्यूब 64, पांच का क्यूब 200, पांच का क्यूब 125, छः का क्यूब 216, सात का क्यूब 343, आठ का क्यूब 512, नौ का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, कुछ बेसिक जो क्यूब होते हैं 11 तक, तो आपको उतना तो पता होना चाहिए। वैसे तो नॉर्मली आप 20 तक याद कर लें तो ज़्यादा सही रहेगा। तो ये मैं ये क्यों बता रहा हूँ यहाँ तक, इसका एक रीज़न है। देखिए, क्वेश्चन का जो यूनिट डिजिट होता है, यानी एक और दो तीन, इस तरह जो क्वेश्चन का यूनिट डिजिट है और आंसर का यूनिट डिजिट है, क्या है, आंसर का इकाई अंक यूनिट डिजिट। अगर क्वेश्चन का इकाई अंक एक है तो आंसर का क्या आ रहा है, क्यूब करने के बाद तब भी एक आ रहा है, यानी एक का क्यूब करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, आंसर का भी इकाई अंक एक मिल रहा है। इसी तरीके से आप यहां देखिए, चार का जब क्यूब कर रहे हैं तो आपको आंसर में भी चार इकाई अंक मिल रहा है। इसका मतलब चार का क्यूब करने पे चार इकाई अंक आएगा आंसर में भी। पांच के केस में भी वही हाल है, पांच का क्यूब करने के बाद क्या हो रहा है, पांच इकाई अंक आ रहा है। छः का भी, छः का क्यूब करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा आपका, छः ही आएगा। इसी तरीके से जब आप नौ का क्यूब करेंगे तो नौ के वाले केस में भी यही होगा कि इकाई अंक हमेशा सेम मिलेगा, और जीरो के केस में तो होता ही होता है, ये सबको पता है। यानी इस केस में एक, चार, पाँच, छः, चार, पाँच, छः, नौ और ज़ीरो के केस में हमेशा क्यूब करने के बाद आपको सेम यूनिट डिजिट मिलेगा। ये बात क्लियर समझ में आ रही है क्या, अभी मैं क्वेश्चन से समझाऊंगा आपको, पहले इतना समझ लो, ये बात क्लियर हो रही है क्या। तो क्या सेम नहीं रहा इसमें, कुछ तो ऐसा बचा होगा जो सेम नहीं रहा होगा इसके अलावा, एक, चार, पाँच, छः, नौ, ज़ीरो के अलावा। देखिए, दो का क्या हो रहा है, आठ, यानी दो का चेंज हो रहा है किस में, आठ में, और आठ का चेंज हो रहा है दो में, यानी दो का आठ में कन्वर्ट हो जा रहा है और आठ का दो में कन्वर्ट हो जा रहा है, बात समझ में आ रही। इसी तरीके से आप देखिए, सात का तीन में हो जा रहा है कन्वर्ट, और तीन का सात में हो जाएगा कन्वर्ट। देखिए कहाँ पर हो रहा है, तीन का सात में। तो कहने का मतलब ये है, तीन का जब क्यूब करेंगे तो सात इकाई अंक आएगा, और सात का जब क्यूब करेंगे तो तीन इकाई अंक आ जाएगा। तो इस तरह से सिर्फ दो केस हैं, दो का आठ बनता है और तीन का सात बनता है, आठ का दो बन जाएगा, सात का तीन बन जाएगा। इस तरह से हम स्क्वायर क्यूब रूट को समझेंगे, और इसका एक मेथड होता है, जैसे मैंने स्क्वायर रूट में बताया था आपको यूनिट डिजिट करके तो किसके पास में आता है वो हम लोग चेक करेंगे, इसी तरीके से क्यूब में भी करेंगे कि हम कैसे उसको यूनिट डिजिट से कन्वर्ट करके हम जल्दी से जल्दी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग ये नोट करिए, उसके बाद हम क्वेश्चन लगाते हैं और इसको समझते हैं, इस मेथड को। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, अगर क्यूब रूट निकालना है 2197 का, 2197, इसका क्यूब रूट निकालना है तो क्या करेंगे आप, वही तरीका अप्लाई करेंगे जैसे मैंने स्क्वायर रूट में आप लोगों को बताया था। स्क्वायर रूट में मैंने कहा था कि दो को आप सर्कल कीजिए और उसका इकाई अंक पे चेक करिए कि स्क्वायर किसके इकाई अंक आते हैं। इसमें क्या करना है, क्यूब रूट होने की वजह से आप तीन अंक को सर्कल करेंगे
और इकाई अंक चेक करेंगे, सात, सात का जो इकाई अंक किसके क्यूब पे आएगा? अभी मैंने बताया था सात किसका आता है, तीन के क्यूब में आता है, तीन का सात और सात का तीन एक दूसरे के अपोजिट क्यूब में आते हैं, तो तीन का क्यूब करने पे इकाई अंक सात आएगा। अब बचा क्या, दो, तो दो किसके क्यूब के पास में आएगा, एक का क्यूब एक होता है और दो का क्यूब क्या हो जाएगा, आठ, तो आठ तो ज्यादा हो जाएगा तो ये नहीं लेंगे, इसका मतलब एक होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, तेरह। तो 21 97 का आंसर क्या आ गया, 13 आ गया, यही आंसर होगा इसका, क्योंकि 13 का क्यूब होता है 21 97। बात समझ में आ रही, क्लियर? बहुत ही आसान तरीका, सेम स्क्वायर की तरह है, बस यहाँ पे क्यूब में क्यूब का पैटर्न लेना पड़ेगा कि क्यूब किसके में इकाई अंक आता है। चलिए मैं और समझा देता हूँ, आपको दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन समझो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे मान लो आपको क्यूब रूट निकालना है 40 96 का, अगर इसका क्यूब रूट निकालना है तो आप क्या करेंगे, वही काम करना आपको, तीन नंबर का आप सर्कल करेंगे, तीन डिजिट का, और उसका इकाई अंक 6 है, उसको देखेंगे किसके क्यूब में इकाई अंक 6 आएगा, 6 के ही क्यूब में आता है, 6 के ही क्यूब में आएगा, सिमिलर। अब बचा कितना नंबर, 4, तो 4 किसके क्यूब में आएगा, एक का क्यूब एक और दो का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब आंसर क्या आना चाहिए, 16। तो 16 का क्यूब होगा इसका आंसर, जो कि 40 96 आएगा। बात समझ आ रही है क्लियर तरीके से? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो क्वेश्चन दे रखा है क्यूब रूट निकालना है 92 61 का, 9261 92 61 का आप लोग क्यूब रूट निकाल के बताइए क्या आएगा क्यूब रूट इसका। देखिए पहला काम वही करना है, तीन नंबर को सर्कल करना है और उसका इकाई अंक चेक करना है, इकाई अंक एक है, किसके क्यूब में आएगा, जाहिर सी बात एक का एक, सेम टू सेम वाला है केस, एक का एक आता है, चार का चार आता है, पांच का पांच आता है, छः का छः आता है, नौ का नौ आता है, जीरो का जीरो आता है, यानी सेम वाला केस है। बचा कितना, नौ। अब नौ किसके क्यूब में आएगा, देखिए एक का क्यूब एक होगा और दो का क्यूब क्या होगा, आठ। अब देखिए नौ के कम है आठ, तो इसका मतलब दो ले सकते हैं और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 21 का क्यूब होगा 9261, यानी 9261 जो क्यूब रूट निकाला गया उसका आंसर क्या आएगा, 21 आएगा। तो सेकंड भी नहीं लग रहा, 30 सेकंड से अंदर, 30 सेकंड से भी कम टाइम लग रहा है इसको लगाने में। समझ में आ रहा आप लोगों को? चलो नेक्स्ट करके मुझे बताओ, नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ। जैसे मान लो दे रखा है 10 648 का क्यूब रूट, 10 648, चलो इसका बताओ, इसका क्यूब रूट क्या होगा, क्या करना पड़ेगा, तीन अंक हैं उसका सर्कल कीजिए और उसका इकाई अंक चेक करिए, इकाई अंक कितना आ रहा है, आठ आ रहा है। अब आठ किसके क्यूब में आएगा, अभी मैंने बताया जो सिमिलर का केस नहीं होता है वो दो होता है, एक दो का आठ बनता है और आठ का दो, तीन का सात बनता है, सात का तीन बनता है। सेम तरीके से अगर ये आठ है तो क्या बनेगा, दो के क्यूब में आएगा। बचा कितना, दस। अब दस किसके क्यूब के पास में आएगा, अगर दो का क्यूब करते हैं आप तो आठ आता है और तीन का अगर क्यूब करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, जो कि 27 होता है, तो ये नहीं लेंगे, दो होगा और अगर दो होगा तो ये 22 हो जाएगा, इसका मतलब आंसर क्या आ गया हमारा, 22 आ गया आंसर। बात क्लियर समझ में आ रही है? एक सेकंड भी नहीं लग रहा, तीन सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते हो, ये तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्या आएगा, आप डायरेक्ट 10 को बता सकते हो, 2 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, तो आप डायरेक्ट बता सकते थे, बिना पेन उठाए इसको बता सकते हैं आप। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? नोट करो, और भी क्वेश्चन मैं करा देता हूँ ताकि पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। चलो अगला क्वेश्चन लगाओ और ये करके बताओ कि ये क्या आएगा इसका क्यूब रूट, क्यूब रूट 195112। चलो ये करके बताओ मुझे कि इसका आंसर क्या आएगा, देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन है बहुत आसान, नंबर कितना भी बड़ा हो आसान बहुत है तरीका, आप अगर वही तरीके को फॉलो करते हैं। करना क्या है, देखा आपने कि क्यूब रूट निकालना है तो तीन अंक को आप सर्कल कर दीजिए और उसका इकाई अंक देखिए दो है। अब दो इकाई अंक तो किसके क्यूब में आएगा, दो का आठ होता है, आठ का दो होता है, याद हो गया होगा, दो का आठ, आठ का दो, तो यहाँ दो है तो इसका मतलब आठ के क्यूब पे आएगा। बाकी कितना बचा, 195। अब देखो 195 किसके क्यूब में आता है, पाँच का क्यूब क्या होता है, 125। अच्छा पाँच का क्यूब क्या होता है, 125, और छः का क्यूब क्या होगा, छः का क्यूब कितना हो जाएगा, 216, तो 216 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब छः नहीं होगा, पाँच वाला होगा, तो आंसर क्या आ गया, 58। सेकंड लगा क्या, तीन सेकंड से कम में लगा सकते हैं आप इसको, तो इसका आंसर क्या आ गया, 58। मजा आ रहा क्या दोस्तों, समझ में आ रहा है क्या?
कमेंट करके बताओ आप लोग समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगला करके बताओ, चलो क्यूब रूट 19683, चलो इसका करके बताओ इसका क्या आएगा। 19683 का अगर आपको क्यूब रूट निकालना है तो आप कैसे लगाएंगे, 3 सेकंड के अंदर कैसे लगाएंगे। देखिए 3 नंबर का सर्कल कीजिए, इकाई अंक कितना है 3, किसके में आएगा 3 का 7 होता है, 7 का 3 होता है, इसका मतलब 7 आएगा। बचा कितना 19, 19 किसके क्यूब में आता है, देखिए 4 का क्यूब 3 का क्यूब क्या करेंगे, 3 का क्यूब होता है 27, ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब 2 का क्यूब होगा 8, तो 2 मान होगा, तो ये कितना हो जाएगा आंसर 27। 27 का क्यूब करेंगे आपको तो ये मिल जाएगा 19683। बात समझ में आ रही, 3 सेकंड 4 सेकंड से भी कम टाइम लग रहा है इसको सॉल्व करने में। बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है, बहुत ही आसान ट्रिक है। समझ में आ रहा क्या आप लोगों को दोस्तों। चलो अगला क्वेश्चन करो, नोट करो ये पहले, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं फिर उसके बाद। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दे रखा है क्यूब रूट 10648 इंटू क्यूब रूट 5832, मान लो इसका हल निकालना है, का मान क्या होगा या क्या मान ज्ञात करें, इस तरह से क्वेश्चन आता है। डायरेक्ट अगर नहीं पूछ रहा है, एक क्वेश्चन नहीं दे रखा है क्यूब रूट, तो मल्टीप्लाई में करके या प्लस में कर करके इस तरह से क्वेश्चन देता है। तो आप अगर इस तरह आपको क्वेश्चन मिले तो आप क्या करेंगे, तरीका वही अपनाना है, तरीके में कोई चेंजेस नहीं करने हैं आपको। आपने देखा तुरंत आप 3 नंबर को सर्कल कीजिए, अगर ये 8 आया है तो इकाई अंक क्या रहना चाहिए 2, 8 का 2, 2 का 8, यही होगा 8 का 2। अब यहाँ 10 है तो जाहिर सी बात 2 का क्यूब में आएगा, ये 2 का क्यूब 8 होगा, इस तरह से यहाँ 8, यहाँ पे 2, इसका मतलब ये यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, इसका मतलब 22 का क्यूब रहा होगा, तो यहाँ तो 22 आ गया आंसर। इस वाले केस में देखिए 3 नंबर को सर्कल कीजिए, अगर ये 2 इकाई अंक है तो यहाँ 8 पे आया होगा 2 का 8, और यहाँ 5 है तो इसका मतलब 1 का क्यूब में आएगा, क्योंकि 2 का क्यूब तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 ये और 8 है इसका मतलब 18, तो 22 × 18 इसका आंसर होगा, यानी 18 × 36 हासिल 3, 18 × 36 और 3 39, 396 इसका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो बात समझ में आ रही, हमें वही पैटर्न यूज करना है, इकाई अंक चेक करिए फटाफट निकालिए सेकंडों में, फिर मल्टीप्लाई कर रखा तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा दोस्तों, समझ में आ रहा है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों को शेयर कर दो, है ना। जैसे मान लो अगला क्वेश्चन अगर दे रखा है इस तरह से, अगर आया हुआ क्वेश्चन देखिए, क्यूब रूट 1 − 91/216 का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें, इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, पहले आप इसको सिंप्लीफाई करें, बाद में हम देख लेंगे इसका क्यूब रूट क्या आएगा। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कीजिए, आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, यही होगा क्या 216, इसका एलसीएम आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 216 − 91, ये बात समझ में आ रहा है आपको। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो अंदर, देखिए 6 में से 1 गया 5, बात समझ में आ रही, 21 में से 9 गया 11, 12 हो जाएगा 125/216। अब 125 किसका स्क्वायर रूट, 125 का क्यूब रूट क्या होगा, यानी 5 का क्यूब होता है 125/216, 6 का क्यूब होता है, तो ये बाहर आ गया, तो आंसर क्या आ गया 5/6। बहुत ही सिंपल तरीका है, कुछ था ही नहीं, यहाँ पे देखने में लग रहा बहुत भारी है, लेकिन है कुछ नहीं, 125 5 का क्यूब होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, तो 5/6 आ गया, क्यूब रूट से बाहर आ गया। समझ में आ रहा दोस्तों। क्वेश्चन दे रखा है, बढ़िया क्वेश्चन है, सभी लोग लगाएं, देखते हैं कौन लगाता है। 21 + √61 + √722 + √49, इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है।
अगर इस तरह से क्वेश्चन दे रखा रहे तो आप इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे? देखिए बहुत आसान तरीका, डरना नहीं क्वेश्चन देख के, बस ध्यान दीजिए कहां पे स्क्वायर रूट है कहां पे क्यूब रूट है। देखो 49 का स्क्वायर रूट है तो ये क्या बन जाएगा, 7 बनेगा और ये 7 इसमें जुड़ जाएगा, 7 ये स्क्वायर से निकल गया, 7 इसमें जुड़ेगा, 7 जुड़ने पे क्या बनेगा, ये बन जाएगा 7 × 2 = 9 यानी 729। अब 729 का क्यूब रूट होगा क्या, 729 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 9 का क्यूब रूट होता है 729, तो 9 निकल जाएगा या 9 16 में जुड़ जाएगा, 9 16 में जुड़ा तो क्या बना 25, और 25 का देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट निकलने के बाद 5, 25 का 5 हो जाएगा, अब 5 और 61 में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9 × 5 = 14 और 5 × 6 = 64, 64 के ऊपर देखिए क्या लगा क्यूब रूट, तो 64 का क्यूब रूट क्या होगा 4, बात समझ आ रही, 21 में 4 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा 25, 25 का क्या लगा स्क्वायर रूट तो क्या हो जाएगा आंसर 5। तो ये बहुत आसान तरीका है, आपको जो दे रखा है उसी हिसाब से काम करना है, स्क्वायर रूट पे है तो आप स्क्वायर रूट इसका निकाल लिए अगले में जोड़ दीजिए, यहाँ पे क्यूब रूट है तो 729 का क्यूब रूट निकाल लिया, 16 में 9 जुड़ गया 25, 25 का स्क्वायर रूट निकाल लिया 5 आया 5 इसमें जोड़ दिया, इसका क्यूब रूट निकाला 4 आया 4 21 में जोड़ दिया, 25 का स्क्वायर रूट निकाला 5। मजा आ रहा कि नहीं, बहुत सिंपल तरीका है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बच्चों को लगता है कि बहुत टफ है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, कमेंट करके बताओ अगर समझ में आ रहा आप लोगों को, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर लगाते हैं ना। पॉइंट में अगर आपको मान लो निकालना है क्यूब रूट, जैसे देखिए अगर क्यूब रूट निकालना पड़ा 0.001 मान लो इसका क्यूब रूट निकालना है तो इसका आंसर क्या होगा बताएगा कोई मुझे? अब पॉइंट में क्या खेल रहता है, स्क्वायर रूट में क्या था जितना छोड़ के था उतना बाहर उतना उसका आधा बाहर निकालता था, 4 छोड़कर अगर पॉइंट है तो बाहर क्या निकलता था 2 छोड़कर निकलता था आधा करके, लेकिन क्यूब रूट में ऐसा नहीं होगा, क्यूब रूट में अगर 3 छोड़कर लगा हुआ पॉइंट तो बाहर फेंकेगा 1 छोड़कर, बात समझ आ रही, यानी 3 के बाद अगर पॉइंट लगा हुआ है तो बाहर निकलने के बाद कितने के बाद लगेगा 1 के बाद लगेगा, यानी आंसर क्या आएगा 0.1। बात क्लियर आ रही है? नहीं समझ में आ रहा है, अगला देखो, जैसे दे रखा मान लो 0.00009 अगर इसका क्यूब रूट निकालना है, 9 नहीं इसका कुछ और कर लो 8 कर लो है ना, इसका अगर क्यूब रूट निकालना है तो क्या करेंगे आप, पहला तो ध्यान देना आपको 8 है तो 8 का क्यूब रूट यानी 2 होगा, ये बात तो कंफर्म है, इसमें तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। उसके बाद आप क्या गिनेंगे कि कितना छोड़कर पॉइंट लगा हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 छोड़कर लगा हुआ है बाहर कितना निकालेगा, 3 छोड़ने पे 1 निकलता है क्यूब में, क्यूब रूट में अगर 3 छोड़कर पॉइंट निकले है तो 1 छोड़कर आएगा बाहर, तो यहाँ पे 6 छोड़कर है इसका मतलब 2 छोड़कर बाहर पे आंसर आएगा, यानी 20 ये यानी 0.02 इसका आंसर हो जाएगा, बात समझ में आ रही। पॉइंट के केस में थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसे मान लो अगर मैं ये कहूँ चलो निकालो क्यूब रूट 1000, 1000 का अगर क्यूब रूट निकालते हैं आप तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए कितना 0 3, यहाँ पे 3 0 है तो बाहर कितना 0 बनेगा 1, बात क्लियर समझ में आ रही। इसको नहीं काउंट करते, सिर्फ 0 को काउंट करते हैं, 1 नहीं काउंट होगा, नहीं गिना जाएगा, जब दशमलव नहीं रहता है तो हम क्या करते हैं सिर्फ 0 को काउंट करते हैं, 3 0 है तो बाहर कितने 0 निकालेगा 1 0 पे निकालेगा, 1 कभी भी काउंट नहीं होगा। लेकिन दशमलव के केस में अगर यही क्वेश्चन दशमलव के केस में आ जाए तो 0.001 यहाँ पे 1 काउंट होगा, यहाँ पे देखा जाएगा कि कितने छोड़कर पॉइंट लगा हुआ है और उसमें 1 काउंट होगा, ये बात आप क्लियर तरीके से समझ लीजिए, दोनों में यही कन्फ्यूजन बच्चों को होता है, वो पूरा काउंट करने लगते हैं, ऐसा नहीं है, क्या है आप पूरा दाहिनी तरफ से गिनिए कितने पे पॉइंट लगा हुआ है, अगर 3 अंक पे पॉइंट लगा हुआ है तो बाहर कितने अंक पे फेंके गए 1 अंक पे, यानी 0.1 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, बात समझ में आ रही। तो ये चीज़ों का ध्यान देना है कि क्या चीज़ छोड़ना है क्या चीज़ नहीं गिनना है, 1 को नहीं गिनना है और इसमें हम 3 को गिनेंगे और 1 बाहर निकलेगा आंसर, बात समझ में आ रही है। चलो मैं क्वेश्चन और करा देता हूँ, इसको नोट कीजिए पहले। तो जैसा कि यह क्वेश्चन दे रखा है
स्क्वायर रूट लगा पहले, उसके बाद उसके अंदर लगा क्यूब रूट। 0.004096 इसका वैल्यू निकालना, यानी इसका मान निकालना है, और ऑप्शन ये दे रखा है। अगर इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो हमें क्यूब रूट अंदर है तो पहले इसी को सॉल्व करना पड़ेगा। और क्यूब रूट क्या कहता है? क्यूब रूट कहता है जितने दशमलव छोड़कर है, अगर तीन दशमलव छोड़ करके, तीन अंक छोड़ करके दशमलव लगा है तो बाहर कितना निकालेगा? दो अंक, एक अंक छोड़ करके। तो यहाँ पे कितना है? एक दो तीन चार पाँच छः, छः अंक छोड़ करके लगा है तो बाहर जो भी आएगा वो दो अंक छोड़ करके आएगा। बात क्लियर हो रही है चीज? दूसरी चीज पहले ये निकाल लो, 40 96, तो 40 96 का आप पहले क्यूब रूट निकालो। दशमलव हम बाद में देख लेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं। तो 40 96 का क्यूब रूट निकालने का तरीका क्या है? वही तरीका, तीन डिजिट का आप सर्कल करो और इकाई अंक चेक करो। छः है क्या? तो छः छः के क्यूब में ही आता है, सेम होता है, छः का छः ही होता है। बाकी चार बचा, तो चार किसके क्यूब में आएगा? एक के क्यूब में आएगा, क्योंकि दो का आठ हो जाएगा। इसका मतलब ये 16 का क्यूब रहा होगा, तो आंसर तो 16 आएगा। ये बात तो क्लियर है, 16 तो आएगा क्यूब रूट इतने का। लेकिन दशमलव कहाँ लगेगा? छः अंक छोड़ करके, तो बाहर कितना निकालेगा? दो अंक छोड़ करके। तो दो अंक अगर छोड़ करके लगाएगा तो यहाँ पे लगेगा 0.16, और बाहर क्या बचा हुआ? अभी भी बचा हुआ स्क्वायर रूट, तो बाहर तो स्क्वायर रूट लगेगा। अगर ये 0.16, अब स्क्वायर रूट निकालना है तो अब आंसर क्या होगा? 16 किसका स्क्वायर रूट होगा? मतलब 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 4 होगा, क्योंकि 4 का होता है 16 स्क्वायर। ये दो अंक पे दशमलव लगा है स्क्वायर में, तो बाहर कितने अंक पे निकालेगा? एक अंक पे आधा कर देता है ये, तो 0.4 हो जाएगा आंसर। ये बात कितने लोगों को समझ में आ रही है? अब इस क्वेश्चन में दोनों कॉन्सेप्ट हो गया, एक तो स्क्वायर रूट हो गया, दूसरा क्यूब रूट हो गया। दोनों कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में ले लिया गया है, इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है। समझ में आ रही बातें? जब अंदर क्यूब रूट था तो आपने क्यूब रूट पहले निकाल लिया कि इतने का क्यूब रूट क्या होता है? 16। हमें यह पता चल गया। उसके बाद हम पॉइंट के साथ खेल रहे हैं। ये क्यूब रूट में पॉइंट क्या कहता है? जितने अंक छोड़ करके, तीन अंक छोड़ करके जब भी पॉइंट लगेगा तो बाहर एक अंक छोड़ करके आंसर आएगा। तो यहाँ पे 6 अंक छोड़ करके पॉइंट था, तो बाहर कितने पे लगा? 2 अंक छोड़ करके। तो अब ये स्क्वायर रूट में आ गया। स्क्वायर रूट क्या कहता है? जितने पे दशमलव लगा हुआ उसका आधा बाहर फेंकेगा, दो पे लगा हुआ तो एक पे आएगा। बात समझ में आ रही दोस्तों? तो इस तरह से आज हम लोगों ने लेक्चर कंप्लीट किया है क्यूब रूट का। और इस पे जो क्वेश्चन अभी और क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें आते हैं, तो वो क्वेश्चन जो बाकी हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। और जिसको भी वीडियो अगर अच्छा आ रहा है समझ में, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को शेयर कर दें। और पिछले जो लेक्चर मेरे हैं स्क्वायर रूट के, नॉन परफेक्ट के भी हो गए, परफेक्ट स्क्वायर के भी हो गए, और भी बहुत हैं, प्रीवियस ईयर के भी मैंने क्वेश्चन लगवाए हैं, उसको भी जाके देख सकता है। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो क्वेश्चन है वो भी आप लोग देखिए। और तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।